नमस्कार, मैं एस्ट्रो पूर्णिमा स्वागत करती हूँ साधना एस्ट्रो में आप सभी का। आज मैं जिस बारे में बात करने जा रही हूँ वो एक ऐसा शक्तिशाली मंत्र है जो आपके सारे कार्य को सिद्ध करने में सक्षम है। इसके अलावा जो लोग साढ़े साथी से पीड़ित हैं, राहु केतु परेशान कर रहे हैं या मंगल की कोई समस्या है, तो वो बिल्कुल भी ऐसा मंत्र है जो आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर सकता है। आप समझेंगे कैसे कि आपके ऊपर साढ़े साथी चल रही है। हो सकता है कि पैसों की इतनी कमी हो गई हो या फिर करियर में इतना ज़्यादा बाधा आ रहा है कि आप कोशिश करने के बावजूद भी आप उसमें सफलता नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, पैसा टिकता नहीं, या ऐसी कोई बीमारियां हो गई है जिसका समाधान आप ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं, आपको कुछ भी रिपोर्ट्स में नहीं आया, फिर भी आप बीमार हैं, आपको समझ नहीं आ रहा करें तो करें क्या। इसके अलावा जिन लोगों की शादी हो गई है, शादीशुदा ज़िंदगी में समस्या है, या फिर शादी हो ही नहीं रही है बहुत दिनों से, इस चीज़ के बारे में आप कोशिश किए जा रहे हैं लेकिन सफल नहीं हो पा रहे। हमारे घर में वास्तु दोष की वजह से ये सारी चीज़ें तो होती ही हैं, लेकिन एक ऐसा मंत्र मैं आज बताने वाली हूँ जिसके द्वारा आप कुछ भी कर लें, इस तरह की जितनी भी समस्याएं हैं उन सब का समाधान एक मंत्र कर सकता है। आपको हमारे वेद के बारे में तो पता ही है, हमारे वेद में ऐसे कई सारे मंत्र हैं जिसे लोग साधना करके सिद्ध करते हैं। काफ़ी समय इसकी अर्चना पूजा करने में जाती है, कई दिनों तक लोगों को साधना करने पड़ती है तब जाकर एक मंत्र सिद्ध होता है। जो इस तरह के मंत्र है जिसे सिद्ध करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, बहुत सारी हमें सावधान जो है वो होना चाहिए, हमें बहुत सारी सावधानियाँ बरतनी पड़ती हैं, तो ये जो मंत्र है ये ऋग्वेद से दिए गए मंत्र होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा कोशिश करने के बाद, बहुत ज़्यादा पूजा अर्चना करने के बाद ही ये मंत्रों को हम सिद्ध कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारा मंत्र ऐसा होता है जो कि तांत्रिक मंत्र है, जो कि ईजिली सिद्ध हो जाते हैं, लेकिन उसमें फोनेटिक्स आता है, जैसे प्राम प्रेम प्रोम, इस तरह के जो मंत्र है जिसमें फोनेटिक्स का यूज़ होता है, तो ये फोनेटिक्स वाला जो मंत्र है इसको हम ईजिली सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन इसके उच्चारण अगर आपसे गलती हो जाए, अगर आप गलत उच्चारण करते हैं तो फिर जाकर इसमें आपको समस्याएं का सामना करना पड़ सकता है, या फिर कहिए कि ये गलत मंत्र के प्रभाव से आपको बैकफायर हो सकता है। तो इसका भी जो उच्चारण है वो सही होना चाहिए, और तांत्रिक क्रियाएं हर समय आप नहीं ट्राई कर सकते। इसके अलावा और कौन से मंत्र होते हैं? शाबर मंत्र। शाबर मंत्र क्या होता है? ऐसे मंत्र होते हैं जिसे हमें किसी भगवान को, जो इष्ट देव है उसको किसी की शपथ दी जाती है, तो इस तरह के जो मंत्र हैं शाबर मंत्र, ऐसे मंत्र हम कई बार यूज़ कर चुके हैं, हो सकता है आपने भी पढ़ा होगा, लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये कौन सा मंत्र है जिसमें भगवान की दुहाई दी जाती है, इष्ट देव की दुहाई दी जाती है, और ये हमारे कार्यों को सिद्ध करने में बिल्कुल सक्षम है, बहुत ही कम समय में सिद्ध होने वाला मंत्र, हर तरह की समस्याओं का समाधान करने वाला ये मंत्र। जी हाँ, लेकिन ये जो उपाय है आपको 40 दिनों तक करने पड़ेंगे, और 40 दिन बाद आप देखेंगे कि जिस भी समस्या से आप जूझ रहे थे वो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। आपको इस 40 दिनों में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है? पहली चीज़ तो आप नॉनवेज नहीं खा सकते, दूसरी चीज़ जो है वो लिकर आप यूज़ नहीं कर सकते, नहीं खा सकते, बहुत ही शुद्ध तरीके से ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए आपको 40 दिन तक इस मंत्र का प्रयोग आपको करना है, जो कि है बजरंग बाण का पाठ। जी हाँ, हनुमान जी का एक ऐसा मंत्र बजरंग बाण, जिसमें जो कि ये शाबर मंत्र है, इसके आगे पीछे चालीसा नहीं लिखा हुआ है, हनुमान जी की जो चालीसा की किताब आती है उसमें भी बजरंग बाण लिखा रहता है। इसमें दो जो ऐसे दोहे हैं जिसमें बजरंग बली को हनुमान जी को मंत्र जो है वो बोलकर राम जी की दुहाई दी गई है, या राम जी की शपथ दी गई है। तो ये जो मंत्र है हनुमान जी का, किसी न किसी तरीके से 40 दिनों में बजरंग बली, हो सकता है किसी साधन के रूप में, किसी मनुष्य रूप में, या किसी न किसी रूप में आपके पास ज़रूर आएंगे, और इसको आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको समाधान करते ही हैं, बिल्कुल ये सिद्ध किया हुआ उपाय है, इसे आप खुद भी आजमा के देख सकते हैं। लेकिन याद रखें कि इसका इस्तेमाल आपको ऐसे ही छोटी मोटी चीज़ों के लिए बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है, और इसे आप जब सबसे ज़्यादा परेशानी में हो, शत्रुओं से घिरे हुए हो, आपको बचने की कोई रास्ता नहीं नज़र आ रही हो, बीमारियों से पीड़ित हैं, आप किसी तरह से हल नहीं ढूंढ पा रहे हैं, शादी के लिए थक चुके हैं, शादी के लिए कोई अच्छा संपर्क नहीं आ रहा, हो ही नहीं पा रहा, या किसी भी तरह से वास्तु दोष के घेरे में आप आ चुके हैं, नहीं कर पा रहे, तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपको मंत्र जप करना है। जप करने के पहले जिस दिन फर्स्ट डे होगा उस दिन आपको एक 5 सुपारी हाथ में लेनी है, लेकर संकल्प करें कि मेरा नाम ये है, मैं अमुक का बेटा हूँ या बेटी हूँ, और मेरे जो ये इच्छाओं की वजह से मैं आपकी
पूरा पूजा कर रहा हूँ, मैं बहुत ही मुसीबत में हूँ, ये कह के पांच सुपारी को बजरंग बली के विग्रह के सामने या तस्वीर के सामने रख दे। अब बात करती हूँ तस्वीरों की, तो कैसी तस्वीरें होनी चाहिए। अगर आप बीमार हैं तो संजीवनी ले जाते वाली बजरंग बली की तस्वीर आप अपने सामने रखें। अगर आप किसी केस में फंसे हुए हैं, किसी शत्रुओं के पीछे पड़े हुए हैं, तो ऐसा बजरंग बली का तस्वीर रखें जिसमें वो पताका लेके जा रहे हों। शादी नहीं हो रही है तो ऐसे बजरंग बली का मूर्ति रखें जिसमें उन्होंने अपना सीना चिरकर सिया राम को अंदर से दिखते हुए तस्वीर में दिखाया है, वो हो। या फिर अगर आपकी संतान नहीं हो रही है तो वरदान मुद्रा में बैठे हुए बजरंग बली की फ़ोटो होनी चाहिए। और अगर आपके वास्तु दोष के परेशान हैं तो फिर पंचमुखी हनुमान जी का फ़ोटो रखकर आप पूजा करें। और इस सारे तरीकों से 40 दिन तक पूजा करने के बाद वो जो तस्वीर है वो सिद्ध हो जाएगी। उसको अपने घर के साउथ डायरेक्शन में लगाएं और उसको रेगुलर पूजा करें। आप देखेंगे कि 40 दिनों में आपकी समस्या का समाधान हो चुका है। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी और आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, मेरे वीडियोस को पसंद करेंगे। और मेरे दिए हुए नंबर पर अधिक जानकारी के लिए, प्रेडिक्शन करवाने के लिए, मैं टैरो रीडिंग करती हूँ, कुंडली देखती हूँ, कुंडली मैचिंग करती हूँ, तांत्रिक क्रियाएँ करती हूँ, बहुत सारी चीज़ें करती हूँ। अगर आपको इंटरेस्टेड हो तो मेरे दिए हुए फ़ोन नंबर पर कॉन्टैक्ट ज़रूर करें। धन्यवाद।